Okay, जी अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून एंड नमस्ते टू ऑल द फ्रेंड्स एंड बुनाजीबा टू द रोमानियन पार्टिसिपेंट वी हैव इन आवर सेशन टुडे. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ चिल्ड्रन लर्न. तो वी विल कीप ऑन कोर्स स्विचिंग टू उर्दू एंड इंग्लिश. तो जहाँ जहाँ आपको लगे कि आपको समझ नहीं आ रही है इंग्लिश में, तो प्लीज लेट मी नो, मैसेज में ड्रॉप कर दीजिए, सो दैट वी ऑटोमेटिकली गो टू उर्दू. मैंने आपके सामने एक अच्छा सा कोट जो है, जो कि बहुत पावरफुल है, वो चिल्ड्रन बच्चों के लर्निंग के मुताबिक मैंने शेयर किया हुआ है. इट सेज कि चिल्ड्रन आर नो थिंग्स टू बी मोल्डेड बट पीपल टू बी अनफोल्डेड. इसमें जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं कि एक तो ये कि दे आर नॉट थिंग्स, दे आर पीपल, और दूसरी बात यह है कि उनको आप मोल्ड ना करें, उनको सांचू में नहीं डाल सकते हैं, बल्कि उनके अंदर की सलाहियतों को आप बाहर ला सकते हैं. अब ये जो नोशन है, इससे हमारे पूरे एजुकेशन फिलोसफी जो है वो सामने आ जाती है कि हम बच्चों को ब्लैंक स्लेट और क्या मोल्डेड उनको सांचे में डालने की बात करते थे, लेकिन अब ये नोशन आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो गया है. और जब हम ये चेंज करेंगे अपने दिमागों में और हर चीज में, तो फिर हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो बेहतर हो जाएगा. नाउ लेट्स स्टार्ट इज व्हाट इज लर्निंग. अब लर्निंग है क्या, ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें हम बात करते रहेंगे कि लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ अक्वायरिंग एंड मॉडिफाइंग एग्जिस्टिंग नॉलेज, बिहेवियर, स्किल्स, प्रोसेसेस, वैल्यूज एंड प्रेफरेंसेस. यहाँ पे दो चीजें जो है वो इम्पोर्टेंट है. एक तो ये है कि ये लर्निंग जो है वो एक प्रोसेस है, और फिर ये है कि इट इज मॉडिफाइंग है, और मॉडिफाई करना है अपने एग्जिस्टिंग नॉलेज को भी और अपने स्किल्स को भी और अपने वैल्यूज को भी. अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि क्या लर्निंग जो है वो सिर्फ और सिर्फ बच्चों को करना चाहिए, या बड़ों को करना चाहिए, टीचर्स को करना चाहिए, क्या दूसरी चीजें जो है क्या वो भी लर्न करते हैं, क्या मशीन जो है वो लर्न करता है, क्या एनिमल्स लर्न करते हैं, क्या प्लांट्स लर्न करते हैं. तो इसका जवाब जो है, अगर आप फर्स्ट टू दी एग्जाम की, डू मशीन्स लर्न, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ और फिर सवाल जो है वो बताएं, आंसर करें इसको, या ये है कि आप अपने चैट बॉक्स में लिखें. और ये और किसी के कोई राय है? अमृता सेज इनको कोई नॉलेज, मशीन्स डू नॉट लर्न, शी सेड बेसिकली. अच्छा, चैट बॉक्स में दे दें, मैंने कहा कुछ नहीं. ओके, मशीन्स आर प्रोग्राम. Okay, thank you very much for all the participants for your answers. It is really very good, or I really like it, because we think that machines don't learn. बट अगर आप थोड़ा सा रिसर्च करेंगे इसको, गूगल करके आप कोशिश करेंगे टू फाइंड आउट, दैट यू विल सी कि प्रोग्राम डेटा इज अबाउट मेकिंग मशीन्स टू लर्न. और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जब आप बात करते हैं, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मशीनों को खुद अपने आप को मॉडिफाई करके उसको आगे मतलब अपने डिफरेंट सिचुएशंस के लिए तैयार करना सिखाते हैं. So I don't say the machines, they learn the way we learn, but they learn differently. Or recently it was found that some plants also learn. Plants भी जो है वो कुछ ना कुछ सीखते हैं, उनके कुछ behaviors जो है वो उससे आ जाती हैं. तो ये जो है एक मुसलसल एक सीखने का मन है. तो अब यहाँ पे learning is a process की जब हम बात करते हैं, तो जो learning है वो बच्चों के लिए और हम सब के लिए वो एक प्रोसेस का नाम है. यानी अगर कोई ये शख्स कहे कि वो लर्न है, तो इसका मतलब ये है कि ही इज नॉट लर्निंग, वो उस लर्निंग के फेज से निकल गया है और वो उस लर्निंग के उस पर आता ही नहीं है. और फिर यह कि मॉडिफाइंग एग्जिस्टिंग नॉलेज का मतलब ये है न्यू नॉलेज. तो डू वी हैव न्यू नॉलेज, अगर हमारे पास नया नॉलेज नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि वी आर आउट ऑफ द लर्निंग प्रोसेस.
Okay, let's go to some facts. I gathered this from UNESCO, and it says ki ek din mein takriban 8 billion, which is around 1000 million children bachche school jaate hain, aur usi us 1 million ko 1000 million ko saath mila ke 617 million jo bachche hain wo apne maximum potentials tak nahi pahunch sakte hain mathematics mein aur language mein reading mein, to which is approximately 411 million. और फिर ये है कि इसके जो प्रॉब्लम्स आते हैं वो ये है कि अनमोटिवेटेड अनट्रेंड टीचर्स हैं और लैक ऑफ क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन है, डल एनवायरनमेंट है, अनएजुकेटेड पेरेंट्स है और हाई एक्सपेक्टेशंस है पेरेंट्स की, वो बहुत ज्यादा बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं। अब यह है कि जब आप कहते हैं कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सीखने जाते हैं। बच्चे स्कूल जाते हैं लेकिन जो बहुत ज्यादा बच्चे जो नहीं सीखते हैं वो स्कूल के अंदर बैठे बैठे हुए नहीं सीखते हैं, जो कि आउट ऑफ स्कूल है उससे उनकी तादाद बहुत ज्यादा है। तो यू कैन गो टू दी यूनिसेफ वेबसाइट एंड फाइंड इट आउट। अच्छा ये अब एक जॉन हॉल्ट के एक बहुत ही खूबसूरत सा वो एक आर्टिकल है, वो कहता है कि वाइल्ड जो है इन वजूहात की वजह से नाकाम होते हैं। एक तो फियर, खौफ है हमेशा कि वो नाकाम होंगे, एक बोर्डम है और एक कंफ्यूजन है। अब फेल की हम बात करते हैं तो आम जो नोशन है उसमें यह है कि बच्चा जो है वो स्कूल में फेल हो गया है, क्लास में फेल हो गया है, सब्जेक्ट इंग्लिश में फेल हो गया, साइंस में फेल हो गया, मैथमेटिक्स में फेल हो गया। अब फियर क्या है? अब फियर ये है कि एडल्ट पेरेंट्स स्पेशली, मेरा बेटा तो माशाल्लाह डॉक्टर बनेगा, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, ये तमाम वो एक्सपेक्टेशन है अक्सर बेशतर अपने बच्चों के साथ वो शेयर करते हैं, तो वो जो है उस एक्सपेक्टेशन को मीट ना करने के लिए वो परेशान हो जाते हैं। तो ये खौफ जो है हमेशा उन्हें सीखने के राह में एक रिकावट बन जाती है। अब बोर्ड है, व्हाई पीपल व्हाट चिल्ड्रन आर बोर्ड इन द क्लासरूम, बिकॉज द करिकुलम इज इररिलेवेंट। बच्चे एक चीज को सीखता है एंड इट डजंट गो राउंड टू यू नो इन द लाइफ, so why you know that the children will learn a thing which doesn't actually work for them in their classrooms in their house life. Ab confusion kya hai? Confusion ye hai ki why kya nahi gets wo factorization bachcha seekh raha hai, mitosis seekh raha hai, meiosis seekh raha hai, active voice passive voice seekh raha hai, ab usko ye samajh nahi aa raha hai ki bhai main ye seekh hi kyun raha hu, मैंने कहाँ इस्तेमाल करना है, और टेंस सीख रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, उसको ये नहीं पता कि मैंने कहाँ इसको सीखना है। पाकिस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं हमारे वो सीखते हैं काजम के चौधरों का, उनको ये नहीं पता कि कहाँ यूज करना है, उनको ये नहीं पता कि मुख्तलिफ जो वो होते हैं फार्मूला वो कहाँ कहाँ फिट होते हैं, लॉ ऑफ मोशन किधर फिट होता है, लेकिन बच्चे वो सीख रहे हैं मतलब वो दे ट्राई टू लर्न इट बट इट मेक्स देम इट कंफ्यूजेस देम ऑल द टाइम। अब आते हैं कि बच्चे सीखते हैं। देखिए आज का सेशन जो है ना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पेरेंट्स, फॉर टीचर्स एज वेल एज फॉर पेरेंट्स, एंड इफ स्टूडेंट्स सम स्टूडेंट्स आर अटेंडिंग इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम एज वेल, क्योंकि टीचिंग का अमल जो है और ये जो पेंडेमिक है, पेंडेमिक में टीचिंग का अमल जो है वो एक डिफरेंट नोशन पे चला गया। अब पेरेंट्स को बच्चों के अंदर ज्यादा इंटरेस्ट लेना पड़ेगा उनके पढ़ाई में इन कंपेयर टू द टीचर्स, और टीचर्स को भी अपने जो तरीक़ेकार है उसको चेंज करना होगा, क्योंकि जैसा हमने पहले कहा कि बच्चे जो है वो स्कूल तो आते हैं लेकिन लर्न नहीं करते, तो उसको हमें बेहतर करना होगा। फर्स्ट थिंग इज एक्टिव इन्वॉल्वमेंट, कि बच्चे जो हैं वो एक तो एक्टिव हो लेकिन कंस्ट्रक्टिव इन्वॉल्वमेंट हो अपनी लर्निंग में, ऐसा ना हो कि बच्चे इन्वॉल्व तो हैं लेकिन वो इतने वो हैं डिस्ट्रक्टिव हैं, और ये है कि वो उसमें कोई चीज़ सीखने रहें बल्कि सिर्फ और सिर्फ जो है उसमें वो अपने लिए और दूसरों के लिए प्रॉब्लम्स पैदा कर रहे हैं। तो इसका तरीके कार टीचर ने करना क्या है और पेरेंट्स ने क्या करना है, कि बहुत लंबे टाइम तक ना बोलें ताकि बच्चे जो है वो पैसिव ना हो जाए, और हैंड्स ऑन एक्टिविटीज जिसमें प्रोजेक्ट्स ऑब्जर्वेशंस इस तरह की चीजें जो है उनको करवाएं, और फिर यह है कि क्लासरूम डिस्कशन में और दूसरे कोलैबोरेटिव एक्टिविटीज यानी ऐसे एक्टिविटीज जिसमें बच्चे जो है किसी और बच्चे के साथ मिलके वो काम कर सके, इस तरह के एक्टिविटीज में उनको शामिल करना है।
उनको हमेशा उनमें एक्टिव रखना है, और फिर यह है कि उनकी अपने लर्निंग को उनका कंट्रोल होना चाहिए। वो ये लिखें कि जो वो सीखना चाहते हैं वो क्या सीखना चाहते हैं। बच्चे के अंदर एक टैलेंट है कि वो उस क्लास के साथ साथ म्यूजिक सीखना चाहता है, तो एक इतना उसके पास एक कंट्रोल होना चाहिए कि वो उसको सीखने की कोशिश करें। और फिर ये है कि लर्निंग गोल्स जो है ना वो क्रिएट हो, और फिर वो उनके इंटरेस्ट और फ्यूचर एस्पिरेशन के साथ हो कि बच्चा जो है फ्यूचर में बनना क्या चाहता है। अगर बच्चा जो है फ्यूचर में जाके एक साइंटिस्ट बनना चाहता है और आप उसको टीचर बनाने में लगे हुए हैं, तो फिर जो है उसके जो लर्निंग है उसमें एक कंसिस्टेंसी नहीं होगी। वो आप उसको किसी और तरफ खींचेंगे जा रहा है, और देयर इज ऑलवेज एन इशू, अ टग ऑफ वॉर गोइंग ऑन, कि आप वो बच्चा उधर खींच रहा है, आप इधर खींच रहे हैं। ओके, सो द नेक्स्ट थिंग इज सोशल पार्टिसिपेशन, इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जो थोड़ा बहुत एक्टिव पार्टिसिपेशन के साथ कुछ चीजें ओवरलैप हो जाएंगे, तो प्लीज डोंट माइंड दैट। लर्निंग जो है वो प्राइमरली एक सोशल एक्टिविटी है, यानी दूसरों के साथ मिलकर आप सीखते हैं। और फिर यह है कि सकती है उसको एक सोशल एनवायरनमेंट बनाया जाए। अगर स्कूल को भी हम लेते हैं इस तरह से कि वो सोशल क्रिएटिविटी या सोशल माहौल जो है वो एक माहौल वहां से वो कुछ सीखा, अगर वो नहीं है तो बच्चा उससे नहीं सीखता है। और इसको देख के ज्यादातर हमारे पेरेंट्स जो है वो उन स्कूलों से मुतासर हो जाते हैं जिसमें जो जब वो जाते हैं स्कूल में तो नजर आता है कि दरवाजे शीशे के बने हुए हैं, एसी लगे हुए हैं और दूसरी तीसरी चीजें हैं, तो वो समझते हैं कि एक इनेबलिंग एनवायरमेंट है। इनेबलिंग एनवायरमेंट जो है वो हम आगे इनका जिक्र करेंगे, और ये पेरेंट्स के लिए स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप अपने बच्चे के स्कूल की चॉइस कर रहे हैं तो आप जाके ये जो लिस्ट है इसको वहां पे आप देखें कि क्या ये चीजें वहां हो या नहीं हो रही। नहीं हो रही फर्स्ट, अब इसमें क्या है कि टीचर जो है वो बच्चों को ग्रुप में वर्क असाइन करें और फिर उनको मुख्तलिफ किस्म के रोल्स दे दें कि वो जो है वो अपने रोल्स को पूरे अच्छी तरह से अदा करें। और बेसिकली बच्चे जो है वो उसको बहुत ज्यादा मजाक में लेते हैं, और इवन जब बड़े होते हैं तो अपने रोल को एक एज ए मजाक लेते हैं और उनको ये नहीं लगता है कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो फॉर दिस उनको ये चाहिए कि वो जो है उनको टीचर्स को और पेरेंट्स को कि वो उन्हें डिफरेंट रोल्स असाइन करें। इवन जब बच्चा घर पे है तो उनको रोल दे दें कि आज आपने क्लीनलीनेस का ख्याल आपने रखना है, कि देखें कि कहाँ कहाँ चीजें खराब हैं और फिर देखें कि हम उन्हें कैसे तो। और पेरेंट्स का काम यह है कि वो उन्हें गाइडेंस और सपोर्ट। अब ये इम्पोर्टेंट है कि एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाए जहाँ पे रिसोर्सेज जो है वो शेयर्ड है, और एक ग्रुप के लिए वर्क प्लेस है कि ग्रुप जो है वो एक दूसरे के साथ मिलकर कोई काम करते हैं, कोई प्रोजेक्ट करते हैं, कोई ग्रुप वर्क करते हैं, कोई इस तरह का काम करते हैं जिसमें हर एक का रोल होता है। अब ग्रुप वर्क में इवन हमारे जब हम पढ़ते थे तो ग्रुप वर्क में कुछ लोग जो है उनको दिया जाता था सारा काम करते थे, बाकी जो है वो गपशप क्या करते थे। तो जब इस तरह का वो हो तो वो ग्रुप वर्क नहीं कहलाता है, या ग्रुप में कोई इस तरह का काम हो कि वो सब शेयर्ड अगर करें तो तब वो ग्रुप वर्क कहलाता है। अगर ग्रुप में बैठ के भी इंडिविजुअल काम करना है तो उससे इंडिविजुअल वर्क ही बेहतर होता है, क्योंकि इसमें कुछ लोग जो है वो अपने अपने काम करते हैं तो सब इन्वॉल्व हो जाते हैं। और फिर ये है कि टीचर खुद में मॉडलिंग करते हैं और फिर कोच करें। टीचर जो है जब वो एक दूसरे के साथ मिलकर को टीचिंग और एक दूसरे को फीडबैक नहीं देंगे तो वो बेसिकली मॉडल नहीं कर रहे होते। पर एक टीचर जो है वो बैठ के आके क्लास में दूसरों को कहती है कि वो जो फलां टीचर आए थे वो तो फजूल है, उसको तो कुछ आता जाता नहीं है। तो मसला ये है कि फिर उस वक्त होता ही है कि आप अपने आप को एज ए मॉडल नहीं पेश करते, और जब उस आप अपने रिसोर्स दूसरे टीचर के साथ शेयर नहीं करते हैं और उनके साथ कोऑपरेट नहीं करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आप से देखते हैं कि बच्चे जो है उससे लर्न नहीं करता है। अब आपने ऐसे सरकमस्टांसेस पैदा करना है कि बच्चे एक दूसरे के साथ अपने ख्याल का इजहार कर सकें और एक दूसरे के आर्गूमेंट्स को एवेलुएट कर सकें। हमारे अक्सर यहाँ ये होता है कि हम
हमारा मेरा ख्याल है कि ये एक सोशल को मान लेते हैं कि हम सामने वाले के साथ लड़ने के लिए जाते हैं, या तो हमारा टोन होता है, ये है कि हम आर्गुमेंट्स करने के लिए अपने वर्ड्स जो है ना वो सही नहीं ढूंढते हैं। गैलेक्सी ग्रैंड प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने उसको म्यूट कर दें। ओके और फिर ये जो इसका वो है वो स्कूल और कम्युनिटी का है। देखिए जो वो है स्कूल के अंदर जो आपकी पढ़ाई होती है इट शुड बी इक्वल और लार्जर देन व्हाट इज हैपनिंग इन द सोसाइटी। अगर इन दोनों के बीच में लिंक नहीं होगा कि आपके सोसाइटी में मोबाइल फोन्स आ गए और टेक्नोलॉजी आ गए लेकिन स्कूल में अभी तक वही किताबें और टेक्स्ट बुक से आगे आप नहीं पढ़ रहे हैं तो बच्चे जो है वो कंफ्यूज हो जाएगा, इन दोनों के बीच में वो रिलेशनशिप नहीं कर सकेगा। ये फर्ज करें कि आपके पास एक एंड्रॉयड मोबाइल फोन है जिसमें बच्चा इंफॉर्मेशन तक एक्सेस कर सकता है और आप उसका इस्तेमाल जो है वो स्कूलों में बंद करवा देते हैं, क्लासरूम में बंद करवा देते हैं, तो वो एक बच्चा जो है वो जब बाहर निकलेगा तो वो ज्यादातर निकलेगा क्योंकि आपने उसका एक ही तो ये है कि छोटे बच्चे हैं तो कार्टून देखेंगे, बड़े बच्चे हैं तो उसमें वो गेम्स खेलेंगे, और तो ये जो है उसको एक दूसरे के साथ लिंक करना बहुत जरूरी होता है। और उसके बाद जो है एक्टिविटीज जो डिजाइन करें वो मीनिंगफुल हो और बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करें। अब फर्ज करने कि कोई चीज है जो कि आपके कल्चर में नहीं इस्तेमाल होने वाला है और आपकी एक्टिविटीज जो है उससे कोई चीज पैदा नहीं होता है, कोई काम होता नहीं है। फर्ज करें ये कि अगर आप कहें कि कराची शहर के बच्चों को कहें कि एक ऐसी एक्टिविटी डिजाइन करें जिसमें आप बकरियों को लेकर पहाड़ों पर जा रहे हैं तो वो बच्चा जो है वो कल्चरली उसके एनवायरनमेंट से रिलेटेड नहीं है, उसको समझेगा ही नहीं। और इसी तरह से आप एक पहाड़ के बच्चे को कहेंगे कि ये फर्ज करें कि आप समंदर में तैर रहे हैं तो उसके जहन में वो चीजें बिल्कुल बराबर नहीं आएंगे, तो वो एक दूसरे के साथ रेलिवेंट होने चाहिए। और फिर ये है कि बच्चे को ये यकीन हो जाए कि ये जब मैं चीज सीखूं तो इससे मुझे ये फायदा होगा। अब जमाना वो नहीं रहा कि बच्चों को आप जो है ना जबरदस्ती सिखाने की कोशिश करें, आप पढ़ा तो लेंगे लेकिन सिखाने का काम जो है ना सीखने का वो बच्चे का अपना है। एक छोटा सा मुझे वो लतीफा याद आ रहा है कि एक लड़की जो है वो आके दूसरे अपनी सहेली को कहती है कि आज मैंने अपने कुत्ते को गाने गाना सिखाया। उसने कहा अच्छा तो इसका मतलब ये कि आपका कुत्ता गाने गा रहा है। तो दूसरे पहले वाली बच्ची ने कहा कि नहीं मैंने ये नहीं कहा कि उसने सीखा है, मैं ये कह रही हूँ कि मैंने सिखाया है। तो अक्सर हमारे क्लासरूम में होता भी है कि हम हमें लगता है कि हम सिखा रहे हैं लेकिन क्या सीख रहा होता है वो एक डिफरेंट सवाल है। अब देखें कि इस पे आपने क्या करना है। अगर ओरल लैंग्वेज वो है आपने उसमें इजाफा करना है तो उनको लोगों को पार्टिसिपेट करवाएं मुख्तलिफ के डिबेट्स। अब डिबेट्स के बात आती है ना तो लोगों को लगता है कि वो जो उस पर डिबेट बहुत बड़े बड़े डिबेट चल रहे होते हैं आपके उस पर टीवी पे है तो इतने बड़े बड़े टॉपिक्स होंगे, छोटे छोटे टॉपिक्स जो है क्लासरूम के अंदर के बच्चे उस पर डिबेट कर सकते हैं। इट कैन बी शू साइजेस, डिफरेंट लेसनर्स, छोटे छोटे कार्टून करेक्टर्स, मूवी करेक्टर्स, ड्रामा करेक्टर्स, उस पर डिबेट कर सकते हैं कि चिल्ड्रन लाइक इट, व्हाई डू दे लाइक इट, इफ दे डोंट व्हाई डू दे लाइक इट। और फिर ये है कि अगर क्लासरूम के अंदर फर्ज करें कि अभी आपके ब्लॉग्स आ गई है, वीलॉग्स आ गई है, अगर एक टीचर जो है इनको इस्तेमाल करके बच्चों के अंदर एक स्किल डेवलपमेंट करवाएं या फेसबुक का पेज बनवाएं जिसमें बच्चे जो है वो मुख्तलिफ किस्म के अपने ख्याल लिख रहे हैं क्लासरूम का और एक ग्रुप बनाएं आपके व्हाट्सएप पे तो बच्चे जो है उनकी जो राइटिंग स्किल्स है वो बेहतर हो जाएंगी। अगर आपने एक अपने क्लासरूम का एक ब्लॉग बनाया हुआ है, एक क्लासरूम न्यूज पेपर निकालते हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक है और आप आसानी से अभी भी निकाल सकते हैं तो बच्चे जो है उनका राइटिंग स्किल्स को बेहतर करने के लिए आपकी जरूरत नहीं है कि आप हर वक्त बैठ के उनके स्पेलिंग्स को दुरुस्त करते रहे, अंडरलाइन करते रहे, तो ये जो है ना आप उनको उसमें पार्टिसिपेट करवा सकते हैं। और स्टूडेंट जो है वो क्लासरूम से लर्न करें, सॉरी कम्युनिटी से लर्न करें और स्कूल के प्रोजेक्ट से लर्न करें। कम्युनिटी के आप उन्हें काम दे दें कि जाए कम्युनिटी में इस तरह से करके आ जाए, कोई एक सर्वे दे दें छोटी छोटी कम्युनिटीज में जहाँ और आप
या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसे एक सेफ माहौल दे दें। और देखें हर तरह से, मैं जब ये कह रहा हूँ कि उनको कम्युनिटी वर्क में वो करवाएं, तो ऐसा नहीं है कि आप दूसरे दिन जो है उनको सबके सब स्कूल से बाहर निकलवाएं और कहें कि जाएं कम्युनिटी वर्क करके आ जाएं। तो उसको एक प्रॉपर तरीके से प्लान करके उनके सेफ्टी, उनकी सिक्योरिटी और उनका जो रीच है उसको प्लान करके आप उनके लिए ये सर्विसेज करवा सकते हैं। और स्कूल के एनवायरमेंट को बेहतर कराने के लिए आप मुख्तलिफ किस्म के आप साइंस की चीजें उन्हें पढ़ा सकते हैं। और जो लोकल साइंटिस्ट होते हैं वो आ जाएं, उनको आप कोशिश करें कि वो आ जाएं आपको देखें। कहीं ना कहीं किसी न किसी गांव में छोटी छोटे लेबोरेटरीज भी होती हैं। मैंने देखा यह है कि जो हाई स्कूल्स होते हैं उनमें अच्छे अच्छे लेबोरेटरीज भी होती हैं, लेकिन उसमें इतना डस्ट बैठा होता है कि आप अंदाजा ही नहीं लगा सकते कि इसके अंदर क्या इंस्ट्रूमेंट्स पड़ी हुई है। तो आप उनको इस तरह के जगहों पर विजिट करवा सकते हैं और फिर यह है कि उनके अंदर एक वो कर सकते हैं, क्यूरियोसिटी पैदा कर सकते हैं। अब जो मसला है ये बहुत क्रिटिकल है, रिलेटिंग टू प्रायर नॉलेज। अब प्रायर नॉलेज क्या है कि बच्चा अपनी कोई भी चीज को किसी पिछले वाले जो उसकी अंडरस्टैंडिंग या बिलीफ है, ये देखें यहाँ पे एक लफ्ज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिलीफ से उसको रिलेट करता। अब ये जो पिछले अंडरस्टैंडिंग और बिलीफ है इसका ताल्लुक ये है कि आपकी ग्रोथ कहाँ हुई है, आपके अंदर का एनवायरमेंट कैसा है, तो उसके साथ इसका ताल्लुक है। गाइज एक चीज मैं बता दूं कि वी आर लेफ्ट विद 5 मिनट्स, तो अगर 5 मिनट्स के बाद ब्रेक आ जाए तो प्लीज रिजॉइन अस विद इन 2 या 3 मिनट्स, तो वी विल कंटिन्यू फ्रॉम देयर। ओके, अच्छा अब टीचर जो है वो अपने हमेशा डिस्कस करें बच्चों के साथ और प्रायर नॉलेज उसको रिलेट करने की कोशिश करें। और फिर ये है कि टीचर जो है वो ये भी देखें कि उनके प्रायर नॉलेज है क्या, और अगर वो सिर्फ ये करते हैं कि उसको वहां पे इंट्रोड्यूस किया प्रायर नॉलेज के साथ, उसको रिलेट किया, उसके बाद आगे बढ़ गए, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे जो प्रायर नॉलेज बच्चों के होते हैं वो सुनी सुनाई बातों पे, फिल्मों पे, ड्रामों के डायलॉग्स पे, कार्टून कैरेक्टर्स पे और इस तरह की चीजों पर मुबनी होती है, जो कि मिसकंसेप्शन हैं और फॉल्स बिलीव्स हैं। या ये है कि घर में किसी ने कहा कि ये फलां इलाका जो है बहुत गंदा इलाका है, वहां तो ये है वहां ये होता है, तो वो मिसकंसेप्शन और बिलीफ जो है ना आपके स्ट्रॉन्ग होती जाती है। तो आपने उसको डीप करना होता है कि क्या बच्चों का प्रायर नॉलेज जो है वो टू द पॉइंट है, सही है या नहीं है। और जो मटेरियल्स है उसको आपने तैयार करना होता है उसके लिए बच्चों के प्रायर नॉलेज के साथ रिलेट करने में, ताकि आपको आसानी हो, बच्चे जितना जानता है उसी से उसको लिंक किया जा सके। और बच्चे जो है ना वो ऐसे सवाल बच्चों से पूछे कि जिनका ताल्लुक जो है उसके प्रायर नॉलेज से हो और वो लिंक हो जाए और एक रिलेशनशिप बिल्ड हो जाए कि हाँ उस वक्त हमने बात की थी डिवीजन क्या होता है, तो अभी हम जो बात कर रहे हैं वो सेल डिवीजन की बात कर रहे हैं। हाँ पहले हमने बात की थी एडिशन की, कि दो चीजें आपस में मिलते कैसे, अब हम बात करते हैं मल्टीप्लीकेशन की। तो ये एक कोई ना कोई लिंक जो है ना वो आना चाहिए, क्योंकि अगर आप कहते हैं ना कि मल्टीप्लीकेशन जो है वो प्रोडक्ट है वो बहुत सारे क्या कहते हैं आपके एडिशंस का, टाइम्स कहते हैं ना 2 times 3 is 6, यानी 2 को आप 3 मरतबा लिखेंगे तो वो 2 को 3 मरतबा लिखेंगे तो 6 होगा, या 3 को 2 मरतबा लिखेंगे तो तब वो 6 होगा। ये रिलेशनशिप जो है ये बिल्ड करना बच्चों के अंदर बहुत जरूरी है प्रायर नॉलेज के साथ। और फिर ये है कि इन कनेक्शन के साथ साथ वो उनको एक मॉडल करें, उनको हेल्प करें कि बच्चे जो है वो वहां तक पहुंचे। बच्चों को कभी भी आपने डायरेक्ट जवाब नहीं देना होता, उनको स्कैफोल्ड करना होता है। इसको हम किसी और ये टॉपिक हम पहले बात नहीं कर चुके हैं, तो इसको हम कभी बात करेंगे कि व्हाट इज स्कैफोल्डिंग, लेकिन आप बच्चों को हमेशा हेल्प करते हैं कि वो वहां तक पहुंच जाए। अब ये है कि जो प्रायर नॉलेज है उसको रिस्ट्रक्चर भी करना है, क्योंकि जो अभी आपने नॉलेज उन्हें दिया है वो कुछ अरसे के बाद यानी विद इन फ्यू सेकंड्स विद इन फ्यू मिनट्स दैट्स गोइंग टू बी अ प्रायर नॉलेज, सो आप उसको अभी आपने उसको रिस्ट्रक्चर करना होता है। उसके लिए आपने ये करना होता है कि नए लर्निंग्स करवाएं और उनको उनके अंदर हो कि जो पहले वो जानता था और जो आपने नए उसके अंदर डाला, उसके अंदर एक इन दोनों के अंदर एक लिंक होना चाहिए, वो एक दूसरे के साथ मिल जाए। अगर उसकी पिछले जो नॉलेज थे उसके साथ अगर आपने नए नॉलेज को एक दूसरे के साथ लिंक नहीं किया, तो उसके पास वो पिछले वाला नॉलेज रह जाएगा और ये वाला नॉलेज जो है ये खत्म हो जाएगा।
अच्छा ये अब इसमें टीचर्स ने क्या करना है, वी आर लेफ्ट विद 1 मिनट एंड 17 सेकंड्स। उसमें ये है कि उसको अंडरस्टैंड करें और उसके अंदर जो उनके पास नॉलेज को अंडरस्टैंड करें और उसकी जो इनकम्प्लीट अंडरस्टैंडिंग है उसको पहले निकालें और उसको स्कूल जो आप पढ़ाते हैं उसके साथ लिंक करें और फिर ऐसे सर्कमस्टांसेस बनाएं कि बच्चे जो है ना वो जो अल्टरनेटिव बिलीव्स उसने वो किया है उसको वो खुद ठीक करें और फिर ये है कि वो उसको एक्सटर्नलाइज करें, क्योंकि बच्चे जो है वो बात तो डर से कि कहीं मुझे लोग जो है वो मजाक का निशाना बनाए या इस तरह की कोई और बात में वो क्या करते हैं कि वो उसको छुपा कर रखते हैं। तो आपने उसको एक्सटर्नलाइज करवाना होता है, वो उसको एक्सप्रेस करें, वो लोगों को बताएं कि उनकी बिलीव्स क्या है, एग्जिस्टिंग जो आइडियाज ऑफ स्कूल उसको आहिस्ता आहिस्ता आपने चेंज करना होता है। उसको ये नहीं बताना होता कि भाई आपके बिलीव तो सारे गलत हैं, सो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द न्यू थिंग्स और आपके सारे मिसकंसेप्शंस हैं। तो आपने आहिस्ता आहिस्ता उनके साथ काम करके उनकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग करवानी है। सो वो इम्तिहान में भले टॉप करें लेकिन आम जिंदगी में इम्पोर्टेंट है कि वो किस तरह से कामयाब होता है। तो कामयाबी के लिए जरूरी यह है कि वो चीजों को अंडरस्टैंड करें। अच्छा जी, अब इसके लिए आपने करना यह है कि आप बच्चों को कहें कि वो अपने किसी भी चीज को अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करें और ये है कि एग्जांपल्स दे दें और ये देखें कि चीजें कैसे काम करती हैं, है ना, कोई चीज कैसे काम करती है, उसको कहाँ कहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं। और फिर ये है कि जो प्रॉब्लम्स है ना उसको उस प्रॉब्लम एरिया में फर्ज करें, मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम को मैथमेटिक्स के एरिया में, फिजिक्स के प्रॉब्लम को फिजिक्स के, केमिस्ट्री के प्रॉब्लम को केमिस्ट्री के एरिया में, और उन अप्रोचेस के साथ उसको हल करने की कोशिश करनी चाहिए। और फिर यह है कि जब स्टूडेंट जो है वो मटेरियल को समझेंगे, उनके अंदर सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस और कंट्रास्ट को समझेंगे तो वो एनालॉजीज बना सकेंगे। जो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि किसी चीज को एग्जांपल के साथ या किसी एनालॉजी के साथ जब बच्चा रिलेट करना शुरू कर दे तो समझ लीजिए कि वो हजम हो गया। अगर खाना खाया है और खाना बिल्कुल उसी तरह से ही वो नजर आता है तो इसका मतलब ये है कि उसको उल्टी वो उल्टी करता है, उसको वो खाना ऐसे ही खाता है। अगर वो मेटाबोलाइज हो गया है, उसके बॉडी का हिस्सा हो गया है, तो इसका मतलब ये है कि खाना हजम हो गया। इसी तरह से नए मालूमात का भी है, नए मालूमात जो है वो अलग अलग नजर नहीं आना चाहिए बल्कि वो एक फाइनल फॉर्म में नजर आना चाहिए। और फिर ये है कि एब्स्ट्रैक्ट जो है ना वो चीजें आहिस्ता आहिस्ता कंक्रीट चीजों से निकालना शुरू कर दे और स्पेसिफिक से वो जनरलाइज करना शुरू कर दे, यानी छोटी छोटी चीजों से एक खास चीज को लेकर वो बैठे हुए हैं लेकिन उससे फिर उसको जनरलाइज की तरफ ले जाएं कि देखें बेसिकली रूल्स इस तरह से काम करती है। अच्छा जी, अब बीइंग स्ट्रेटेजी किया थोड़ा सा शुरू में मुझे लगा कि काफी वो है इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन बाद में मैंने देखा कि बहुत इम्पोर्टेंट है। वो ये है कि बच्चे जो है ना वो चीजों को याद करने, चीजों को समझने, उनके मुतालिक रीजन करने और प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए मुख्तलिफ किस्म के स्ट्रेटेजीज बनाते हैं। तो आपने बीइंग अ टीचर उनको हेल्प कैसे करना है ये इम्पोर्टेंट है। देखें कि इसकी 6 कंपोनेंट्स है। सबसे पहले ये कि स्पेसिंग में ये है कि आप बच्चे को एक दिन में बहुत सारा पढ़ाने के बजाय उस एक टॉपिक को आप कई दिनों तक खींचते हैं छोटे छोटे इंटरवल्स में, और ये एक उसके जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स है उसको आप बच्चों को बार बार उसकी तरफ ले जाएं, उनको पढ़ाने की कोशिश करें। क्योंकि बच्चे जो है आप उसे 5 घंटे बैठ के तमाम टेंसेस पढ़ाने की कोशिश करने के बजाय आप उसको 5 महीनों तक उसे खींचे और रोजाना थोड़ा थोड़ा पढ़ाने की कोशिश करें और उनको जो है ना मुख्तलिफ आइडियाज के दरमियान स्विच करना सिखाएं कि एक आइडिया है उसको दूसरे आइडिया के साथ किस तरह से, एक आइडिया आपने पढ़ा फिर दूसरे आइडिया के साथ वो लिंक कैसे हो गया, उनको आप वो करें और फिर उनके प्रॉब्लम जो है ना उनको बताएं कि वो डिफरेंट प्रॉब्लम एक ही मसले पे हल करें। ऐसा ना हो कि आप उन्हें प्रॉब्लम्स जो दे रहे हैं वो सिमिलर प्रॉब्लम है और सिमिलर सॉल्यूशन है, तो ये ड्रिलिंग कहलाएगा, इट्स नॉट एक्सरसाइज और इससे उनके दिमाग पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और रिट्रायल प्रैक्टिस में ये है कि बच्चों को मुख्तलिफ किस्म के लॉस टेक और नॉस टेक क्विजेस, मतलब ये है कि जिसमें आप उनको मार्क्स देते हैं एग्जाम में, मार्क्स शामिल होते हैं नहीं होते हैं, थोड़ा कभी शामिल होते हैं कभी नहीं होते हैं, इस तरह के क्विजेस में उन्हें शामिल करवाएं और टेस्ट में करवाएं तो फिर वो बच्चा उसमें इन्वॉल्व होगा। और एक और जो इम्पोर्टेंट ये है कि बच्चों को आप तस्वीरें दे दें और उसको कहें कि इसको वर्ड में चेंज करें, और बच्चों को वर्ड्स दे दें और कहें कि इसको तस्वीरों में चेंज करें, तो ये जो होगा तो वो बच्चा उनके दरमियान एक स्विचिंग करके उनका दिमाग का जो एक्सरसाइजेज है वो बहुत अच्छी तरह से डेवलप हो जाएगा। और ये है कि कंक्रीट एग्जाम्पल्स दे दें,
जहां जहां पॉसिबल है वहां पे कंक्रीट एग्जांपल और मल्टीपल एग्जांपल्स दे दें। फर्स्ट करें कि आ इज फॉर एप्पल, तो अब बच्चे को जिंदगी में अगर आपने आ फॉर एप्पल ही बताना है तो बच्चे का वो ताल्लुक कि आ से जो है एप्रिकॉट भी हो सकता है, आ से आम भी हो सकता है, आम चेयर भी हो सकता है, आ से आम फोर्सेस भी हो सकता है, ये फिर उनको समझ नहीं आएगी। तो यू हैव टू गिव देम डिफरेंट एग्जांपल्स। और फिर ये है कि उस एग्जांपल से क्या आइडियाज इलस्ट्रेट होती है ये आपने करना है उसको, कि वो उसको समझे कि इस एग्जांपल से हम इस तरफ जा रहे हैं। अच्छा जी, और फिर ये है कि एलाबोरेटिंग आस्क व्हाई एंड हाउ क्वेश्चंस, यहाँ एक बात जो है ना वो याद रखना है, तमाम व्हाई एंड हाउ क्वेश्चंस जो है वो हाई लेवल क्वेश्चंस नहीं होते, कहीं ना कहीं व्हाट भी एक हाई लेवल क्वेश्चंस है। फर्स्ट करें मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि व्हाट इज योर टेक ऑन द करंट पॉलिटिकल सिचुएशन, इट्स अ व्हाट क्वेश्चन। व्हाट इज योर टेक ऑन द करंट पैंडेमिक, इट्स अ व्हाट क्वेश्चन। What is your take on something? Or how do you see it? And how we do it? Why do we see? Why we do it? ये तमाम के तमाम सवाल जो है ये डिपेंड करता है कि आपने उस सवाल को फॉर्म कैसे किया है, किस तरह से बनाया हुआ है। और फिर ये है कि दो टॉपिक्स लेने, फिर आपको आप खुद उनके दरमियान सिमिलैरिटीज देखें, उनके दरमियान डिफरेंसेस देखें, और बच्चों को भी सिखाएं कि दो टॉपिक्स का आपस में सिमिलैरिटीज कैसे होती है। देखें, हम कहते हैं नेचुरल साइंसेज और सोशल साइंसेज, लेकिन एक बात जो सिमिलैरिटी है दोनों में वो है कि बहुत सारे साइंसेस, तो उन साइंसेस को आप आपस में कैसे इंटीग्रेट करते हैं। यानी आप अगर आपको कहें कि आपका रिलीजियस स्टडी है और प्लस बायोलॉजी है, तो एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट कैसे हो सकता है। अच्छा, और ड्यूल कोडिंग कहलाता है कि वो मैं इस पर थोड़ी सी बात पहले कर चुका हूँ कि टेक्स्ट और स्पीच को और डायग्राम्स को, यहाँ इंपॉर्टेंट ये है कि खासकर जो डायग्राम्स होते हैं मुख्तलिफ डायग्राम, उनको लेबल करना और फिर उनको वर्ड्स में चेंज करना, ये जो है आप उन्हें सिखाएं तो बच्चे इसे अच्छी तरह सीखें। और उसी का थोड़ा सा प्रोसेस है, मैं इसको आगे इसलिए छोड़ रहा हूँ कि ये तकरीबन उन्हीं के एलाबोरेशन है। यहाँ पे आके एक और चीज जो है ना वो है सेल्फ रेगुलेशन एंड बीइंग रिफ्लेक्टिव। जब तक कोई शख्स जो है वो रिफ्लेक्टिव नहीं होता, अपने एक्शन पे नहीं सोचता है, और अपने बच्चे को आपने ये नहीं सिखाया है कि बच्चे ने अपने पढ़ाई की जिम्मेदारी खुद लेनी है, अपने टाइम से खुद मैनेज करना है, उसने खुद फैसला करना है कि उसने कितना सीखना है और उसने अपने आप को असेस करना है, तो उस वक्त तक आप एक्सटर्नली उनको नहीं सिखा सकते। तो वो अपने लर्निंग को खुद मॉनिटर करें और देखें कि उनके लर्निंग गोल्स क्या है, वो सही है या नहीं है। अच्छा, इसमें आप ये करें कि बच्चों को मुख्तलिफ किस्म के प्रॉब्लम डिजाइन और एक्सपेरिमेंट्स करवाएं और उन्हें बहुत सारे बुक्स वगैरह फराहम करें, उनको मुख्तलिफ किस्म के स्टेटमेंट्स जो है ना आप अखबारों से उठाएं, आप दूसरी जगहों से उठाएं, आपस में कोई स्टेटमेंट घर पे हो रहा है या क्लासरूम में हो रहा है तो उसके मुताबिक आप उनके स्टेटमेंट के एवेलुएट कराएं, उनके बीच में आर्गुमेंट्स करवाएं और फिर मुख्तलिफ किस्म के प्रॉब्लम को आप डिस्कस करवाएं। और फिर उनके थिंकिंग को वो करने के लिए बच्चों के अंदर ये सलाहियत पैदा करें कि वो पूछें कि जो ये मैं काम कर रहा हूँ मैं क्यों कर रहा हूँ या मैं क्यों कर रही हूँ, और ये कि क्या इसको मैं बहुत अच्छी तरह से कर रहा हूँ या नहीं कर रही हूँ, या मुझे और क्या करना है कि इसको बेहतर तरीके से किया जाए। ये सारा के सारा जो है ना आपने बच्चे के अंदर ये डालनी है, आपने बच्चे को सिखाना नहीं है बल्कि उसको कैसे सीखते हैं ये सिखाना है। यानी आपने उसको तैयार करना है कि वो लाइफ लॉन्ग लर्नर बने और आपने लर्निंग का चार्ज खुद संभाले। बच्चे जो है अपने मुतालिक रियलिस्टिक, बच्चा कहे कि देखो मुझे ये करना आता है मुझे ये करना नहीं आता है, और ये उस वक्त होगा जब आप उसे वो माहौल देंगे कि वो उसके कमजोरियों पे आप उसे पनिश नहीं करेंगे, आप उसे तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे, आप उसके दूसरों के सामने उसकी बेइज्जती नहीं कराएंगे। बच्चे को ये वो करें कि बच्चा कहे कि हाँ मुझे मैथमेटिक्स के कुछ चीजें आती है लेकिन मुझे रीडिंग नहीं आती या रीडिंग आती मैथमेटिक्स नहीं आती, ये चीजें बच्चे के अंदर डालें। और फिर आपने लर्निंग गोल्स बनाए कि मैंने बस आज ये चीजें सीखनी है और मैंने ये लाजमी सीखनी है, और उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट वो देखें हर बंदा एक ही तरह का नहीं सीखता, तो बच्चे जो हैं वो भी ये जाने कि वो किस तरह से अच्छी तरह से सीखते हैं। और फिर जो चीज उन्होंने सीखी हुई है वो रियल लाइफ सिचुएशन में अप्लाई हो जाए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर नहीं होगा तो बच्चे ऐसी चीजें बिल्कुल नहीं सीखते हैं, वो उसे जान छुड़ाने की कोशिश करते हैं। उसका तरीकाकार ये है कि आप उन्हें सब्जेक्ट मास्टरी की तरफ ले जाएं, थोड़ी थोड़ी चीजें हर जगह से छोटी छोटी चीजें करने के बजाय उनको किसी एक चीज की गहराई तक ले जाएं जहां आपको लगे कि बच्चा जो है इसमें ज्यादा इंटरेस्ट लेता है।
और जो इंफॉर्मेशन है उसको ट्रांसफर करने के तरीके बताएं। आप उन्हें वही जो मैंने पहले अर्ज किया कि आप उन्हें वीलो करवा सकते हैं, आहिस्ता आहिस्ता वो किताबें कर सकते हैं। आपने देखा कि हमारे माशरे में खासकर लोग जो है वो जब एक एज में आते हैं तो उनके पास इतने सारे मालूमात होती है, लेकिन बिकॉज दे डोंट राइट इट, दैट्स नॉट द ट्रेंड हियर, तो वो उसको किताबों में नहीं लिखते हैं, कुछ नहीं करते हैं, और वो ट्रांसफर नहीं होता है, वो नॉलेज जो है उनके साथ ही दफन हो जाता है। और फिर ये है कि एक सब्जेक्ट मैटर का जो है वो नॉलेज उसको दूसरे सब्जेक्ट मैटर पे आप अप्लाई कर पाए। और स्टूडेंट को जो है ना जेनेरिक प्रिंसिपल्स और कंक्रीट एग्जाम्पल्स की तरफ आप देखते हैं। और फिर ये है कि स्टूडेंट को ये सिखाएं कि वो अपने आप को लर्न करें और फिर देखें कि फीडबैक दूसरों से वो जाके कहें कि देखो मैं आपको ये इंग्लिश पॉइंट सुनाने लगा हूँ, आप मुझे बताएं कि मैं इसमें क्या क्या गलतियां कर रहा हूँ, और फीडबैक देने वाले भी उसको सही फीडबैक दे दें, और बच्चे के अंदर भी सलाहियत हो कि वो कहें कि हाँ ये फीडबैक जो है ये इम्पॉर्टेंट है, ताकि वो प्रोग्रेस कर सके। जब आप फीडबैक से प्रोग्रेस नहीं करते हैं तो हमारे यहाँ एक दूसरे को फीडबैक देने का मतलब ये कि गाली दे रहा होता है और सामने वाला भी उसको गाली समझ के करता है और रिटेलिएट करता है। तो ये सिखाना है बच्चों को। और फिर एक अंडरस्टैंडिंग की तरफ जाएं रादर देन मेमोराइजेशन की तरफ। एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो है वो टेकिंग टाइम टू प्रैक्टिस है। दो चीजें, एक ये कि आपकी थ्योरी आपके जहन में ख्याल है कि एक चीज किस तरह से काम करती है, और दूसरा आपके साथ उसको प्रैक्टिस करना है। अगर ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर काम नहीं करेंगे तो आप ये जो दरख्त देख रहे हैं ये जमीन बोझ हो जाएगा, यानी इट विल नॉट स्टैंड ऑन इट्स फीट। सो दे आर हेल्पिंग, द प्रैक्टिस एंड थ्योरी दे हेल्प ईच अदर। तो जो आपके कॉग्निटिव एक्टिविटीज है वो आपके प्रैक्टिस में जाए, आप उसको कहीं ना कहीं अप्लाई करते रहे। उसके लिए टीचर्स ने क्या करना है कि वो जो स्टूडेंट टीचर्स टीचिंग टाइम जो है उसको कम करना है और स्टूडेंट लर्निंग टाइम को बढ़ाना है। अक्सर जब मैं क्लासरूम ऑब्जर्वेशन में जाता था और टीचर्स बहुत इंथुजियास्टिक और वो 35 मिनट्स के पीरियड में वो 30 मिनट्स बोलते हैं, बाकी होमवर्क चेक करते हैं, तो ये टीचर्स टीचिंग टाइम है, उसमें बच्चे की लर्निंग कोई नहीं हुई। लर्निंग उस वक्त होती है जब बच्चा खुद इसमें इन्वॉल्व हो, तो उसको आपने बढ़ाना है कि बच्चे के इन्वॉल्वमेंट को अपने क्लासरूम में। और फिर ये है कि उनको ऐसे लर्निंग टास्क दे दें जो कि उनके ऑलरेडी जो जानते हैं, उनको कोई नॉवल सा कोई चीज ना दें जिससे वो कंफ्यूज हो जाए। और फिर एक ही टाइम पे बहुत सारे टॉपिक्स कवर करने की कोशिश ना करें। हमारे यहाँ एक वो है कि सिलेबस कवर करना है। अब वो सिलेबस कवर करने में जो बच्चों की हालत होती है कि वो ना कुछ सीख पाते ना कुछ कर पाते हैं, और बस सिर्फ एग्जाम में पास करना होता है और एग्जाम में पास करने के बाद बेरोजगारों की लिस्ट में शामिल होना होता है, कुछ भी नहीं जानते। और स्टूडेंट को जो है एक्टिव थिंकिंग प्रोसेस में शामिल करें कि बच्चे जो है सोच सोच के जवाब दें, कहीं जवाब उसको रेडीमेड मिल ना जाए, बच्चा सोचिए अपने जवाब बनाए, ये इम्पोर्टेंट है। और फिर ये है कि बच्चों को बुक्स तक वो दे दें कि वो घर पर पढ़ें, और पेरेंट्स के साथ आप जो है वो लेजान में रहें, इसलिए नहीं कि बच्चों के फी भेज दें, बल्कि उसके साथ साथ इसलिए भी कि बच्चों के एजुकेशनल एक्सपीरियंस को उनके साथ शेयर करें। और हर पेरेंट जो है वो ये देखना चाहता है कि उनका बच्चा कितना अच्छा कर रहा है। तो स्टार्ट विद व्हाट आर यू दे आर डूइंग गुड, और जो एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट है वो बच्चा खुद ही बता सकता है। आप बच्चे के अंदर इतना कॉन्फिडेंस पैदा करें कि वो खुद बताएं। और जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है ना, इसको सामने रखना बहुत जरूरी है कि हर बच्चा हर बंदा डिफरेंट होता है। अगर आप लोगों ने आप में से किसी ने मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी पढ़ी है तो ठीक है, नहीं तो आप हमें ईमेल करें ताकि हमें पता चले कि आप में से कितने लोग उसमें इंटरेस्टेड हैं। तो डिफरेंट लोग जो है ना उनके अंदर डिफरेंट प्री डोमिनेटिंग सलाहियतें होती हैं। और बच्चे जो है हमने आहिस्ता आहिस्ता उनको ये सिखाना है कि उनको बहुत सारे वाइड रेंज ऑफ मटेरियल्स, मुख्तलिफ किस्म के लैंग्वेज के लिए डिफरेंट मटीरियल, मैथमेटिक्स के लिए और दूसरे साइंसेस के लिए, म्यूजिक के लिए, मूवमेंट के लिए, हर चीज के लिए देना है। क्योंकि हर बच्चा हमारे उसमें वसीम अकरम भी है, नुसरत फतेह अली खान भी है, डॉक्टर अब्दुल सलाम भी है। आप डॉक्टर अब्दुल सलाम वाला उठा के क्लास में पेश करेंगे तो जो बच्चा नुसरत फतेह अली खान जैसा बनना है उसने बनना है, उसके तो समझ कुछ नहीं आएगी। तो उसके लिए आपने वैरायटी ऑफ रिसोर्सेज जो है वो यूज करना है। और लोगों के एरियाज ऑफ स्ट्रेंथ जो है ना और इंटरेस्ट, इनको मालूम करें, उनके कॉन्फिडेंस को देखिए, कौन सा बच्चा किस एक्टिविटी में ज्यादा कॉन्फिडेंट है। अगर उसमें वो कॉन्फिडेंट नहीं है तो उसको जरूरी नहीं है कि आप उनको एक पिन पॉइंट करें, सब बच्चों के सामने लाएं कि ये बच्चा ये नहीं कर सकता, क्योंकि हर बच्चे के अंदर डिफरेंस है। और जो एरियाज है उनके स्ट्रेंथ्स हैं उस पर दूसरे एरियाज को अपडेट करने की कोशिश करें। और फिर ये है कि बच्चों के थिंकिंग और लर्निंग को चैलेंज करें और देखें कि वो आपको कितनी अच्छी तरह से या अपने आप को उस पर कितनी अच्छी तरह से सेटिस्फाई कर सकते हैं।
और थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चंस पूछें, ऐसे सवाल ना पूछें कि जिसका छोटे सा एक वो हो के अलावा अखबार के दर पे जाओगे तो सियालकोट में अब इससे क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप ऐसे सवाल पूछें कि जो जिससे कोई थिंकिंग जनरेट हो जाए और फिर वो रियल वर्ल्ड से उनका वो हो जो एवरीडे सिचुएशन में असर होती है, तो उनके कनेक्शन के जरूर सवाल पूछें ताकि बच्चे जो है वो राह चलते हुए जो भी उसको इश्यूज आते हैं उसको वो समझे। बोर्ड किस चीज़ के बने होते हैं, नियम साइंस के बने होते हैं, हमारे यहाँ बंदा है एस सी एम एस सी करने के बाद में उसको ये नहीं पता चलता है कि बिल बोर्ड जो है वो किस तरह से बनती है, उसके अंदर कौन सा साइन होता है, आपके कंप्यूटर के अंदर कौन सी चीज़ें जो है वो इस्तेमाल हो रहे होते हैं, उससे ज़्यादा अच्छा जो है वो बंदा सीख रहा होता है जो उसका काम कर रहा होता है। और फिर ये है कि ऐसे सरकमस्टांसेस बनाए कि जो बच्चे दूसरे लोगों के साथ सीखें, इसके बारे में मैं पहले बात कर चुका और मोटिवेटेड लर्नर जो है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। मेरा ख्याल है कि लास्ट वो है आइडिया है कि आपने बच्चों को मोटिवेशन दे दिया, और मोटिवेशन जो है वो पनिशमेंट से लड़ाई झगड़ों से गालिम गलौज से नहीं आती, मोटिवेटेड उनके साथ बैठ के उनको हेल्प करने से आती है। अब देखें टीचर्स ने करना क्या है, टीचर्स ने जो है बच्चों के अकॉम्प्लिशमेंट यानी जितने भी कम अगर उन्होंने कोई कामयाबी हासिल की है तो आपने उसकी तारीफ करनी है, उसको रिकॉग्नाइज करना है। इतनी झूठी तारीफें भी ना हो कि बच्चे जो है वो समझे कि पता नहीं एक शोर की बात कर रहे हैं या गलत ही बोल रहे हैं, मेरे टीचर ही झूठ बोलती है, तो वो उसके रियालिटी के नज़दीक रहना चाहिए। और फिर ये है कि उसको जो अचीवमेंट्स है उसको इंटरनल और उसको ज्यादातर एक्सटर्नल नहीं कि भाई देखो बेटा अगर तुम अच्छा काम करोगे तो मैं तुम्हें ट्रॉफी दूंगी वाले नहीं करेंगे, उसको कहीं कितना अच्छा आइडिया है आप मजीद इस पर सोच सकते हैं, कितनी अच्छी बात कही आपने और आप इस पर बेहतर काम कर सकते हैं, इस तरह की चीजें करें। और फिर यह है कि बच्चों को बिलीव करें कि बच्चे जो ना बहुत सारा काम करें, आप इतने ऐसा क्यों नहीं बोलते हैं कि भाई आपने तो इंग्लिश में बहुत इंप्रूवमेंट किया, आपकी राइटिंग बहुत बेहतर हो गया, आपकी राइटिंग काफी हद तक बेहतर हो गया, अब आप जो है आप रीडिंग पे थोड़ा सा ज्यादा अपने टाइम दे सकते हैं, और उनके जो स्ट्रेटजीज उनके अपने लर्निंग के तरीकेकार है उस पर आप उन्हें हेल्प करें। और फिर ये है कि दो चीजें हैं, आप हमेशा बच्चों के एबिलिटी को ज्यादा वो ना करें, उनको ग्रुप एबिलिटी के हवाले से ना करें, एफर्ट के हवाले से करें, कौन बच्चा कितनी मेहनत कर रहा है उस पर आप बच्चों को अपनाएंगे। अक्सर वो कहते हैं कि अच्छे बच्चे हमको एक ग्रुप में बिठा दिया, सामने बिठा दिया या ये वो किया, तो ये सिस्टम जो है बिल्कुल गलत होता है। इससे आप जो है ना उनके बीच में एक कॉम्पिटिशन और एक दूसरे के साथ एक असर करने का वो रुझान पैदा करते हैं, तो उनको हमेशा कोऑपरेशन सिखाएं क्योंकि बाहर जाके उन्होंने एक इंटरडिपेंडेंट वर्ल्ड में जिंदगी गुजारनी है। और फिर उनको इंटरेस्टिंग टास्क दे दें, हमारे टीचर जो है वो कहते थे कि देखो ये यहाँ से यहाँ तक इसको आपने 50 मरतबा लिख के लाना है, तो हम जो है फिर उसको कोई इंटरेस्ट नहीं होता था, बस किसी ने किसी तरह से वो लिख के ले जाके वहां पेश करते। और हायर ऑर्डर थिंकिंग जो है इस पर हम कभी बात करेंगे, तो आप उन्हें कोशिश करें कि वो एक हायर ऑर्डर थिंकिंग पे जाएं और उनके अंदर एक तजस्सुस हो, आपने जिस दिन बच्चे का तजस्सुस मार दिया बच्चा जो है वो तबाह हो जाता है। इंसान के अंदर अगर तजस्सुस ना हो आगे तो फिर वो उसमें आगे बढ़ने की सलाहियत ही नहीं होती, अब आगे बढ़ना ही नहीं चाहता है। सो दिस इज द थिंग सो फार हमने बात की इस पर। तो अब जो है हमारे पास क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस हैं, तो अगर कोई क्वेश्चंस आपके हैं, लेकिन उससे पहले जो है एक जो जो लोगों के एक्सपेक्टेशंस थे जिसमें जो है वो कहा था कि हम इसे ये सीखना चाहते हैं न्यू आइडियाज अबाउट टीचिंग, दिस इज ऑल अबाउट न्यू आइडियाज इन टीचिंग, सो प्लीज टेक द प्रेजेंटेशन, ये प्रेजेंटेशन आपको जाती हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको काफी बुक्स भी भेजना चाहता हूँ, अगर इफ यू वांट इट जस्ट ईमेल टू अस, वी विल लेट यू नो। और कुछ लोगों ने कहा है कि वी वांट टू तबस्सुम कहती है कि वी वांट टू नो हाउ टू हैंडल इश्यूज, उस वक्त तक इश्यूज आपके पास क्रिएट नहीं होंगे जब तक आप उन्हें आपको ये नहीं पता हो कि बच्चे सीखते कैसे हैं, तो फिर कोई इश्यूज नहीं आएंगे। इश्यूज जो है हमारे पास ये होती है कि हमने बच्चे को खामोश कैसे कराना है, उसको शरारतों से कैसे बचाना है, तो उसका तरीका यह होता है कि बच्चा अगर अपने लर्निंग का टेक चार्ज करता है तो कोई इश्यूज आपके लिए पैदा नहीं होते। और सफोलश सेज डिफरेंट लेवल्स ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम, दी स्ट्रेटजीज आई एम गोइंग टू सेंड योर बुक्स व्हिच विल टॉक अबाउट डिफरेंट स्ट्रेटजीज फॉर डिफरेंट क्लास एंड डिफरेंट सब्जेक्ट्स, बट मीनवाइल इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिकॉग्नाइज दैट जनरली द स्टूडेंट लर्न दैट व्हिच वी टॉक, एंड आई एम गोइंग टू शेयर दिस with you, and if you have questions you can write us back
And if you don't find the answer in those books, please let me know. I can send you more. We can have a one-to-one meeting. So thank you very much. Now open, the floor is open for questions. So please fire your questions. Thank you so much for this wonderful, informative देखिए ऑनलाइन में सोशल लर्निंग जो है वो एक ब्रॉडर स्पेक्ट्रम ऑफ गया है. आपको पता है कि आजकल जो बच्चे हैं वो सोशली ज्यादा कनेक्टेड हैं और उसमें ज्योग्राफिकल लिंक्स बहुत कम हो गई हैं. ज्योग्राफिकल जो प्रॉब्लम्स है वो बहुत कम हो गए और लोग वर्ल्ड वाइड जो है वो जा रहे हैं. तो जो सोशल उसका ताल्लुक है उसका एक फिजिकल एक दूसरे के सामने होने से नहीं है. तो जो ऑनलाइन लर्निंग है जिसमें जैसे अभी हम कर रहे हैं तो हमारे कई पार्टिसिपेंट जो नेपाल में है, कोई बहरीन में है, कोई इंडिया में है, तो वो मुख्तलिफ लोग एक दूसरे के साथ मिलकर एक दूसरे के साथ ग्रुप्स वगैरह बनाते हैं. तो जो सोशल वो है लर्निंग सिचुएशन है अब वो बहुत ब्रॉडर चला गया है. सो इट हैज गॉन लाइक अराउंड द वर्ल्ड. तो मेरा ख्याल ये है कि अब ये इसमें बहुत ही आसान हो गया है. छोटे छोटे ग्रुप्स जो वो हैं, इवन आप देखेंगे मेरा बेटा जो है एक 7-8 साल का है, वो मुख्तलिफ किस्म के ग्रुप्स में है जो गेम्स खेलते हैं और उन ग्रुप्स के बच्चों को बहुत अच्छी तरह से जानता है. तो उसका जो सोशल नेटवर्क है इट इज मोर ऑफ ग्लोबल देन द लोकल. तो मेरा ख्याल ये है कि अगर हम बच्चों को इस तरह के जो मैंने पहले जिक्र किया कि हम उन्हें फेसबुक के पेजेस बनाएं, हम दूसरे इस तरह की चीजें बनाएं, तो वो जो है ना आप उसको इस तरह से कर सकते हैं. जो वो है हम सब मिलके एक एक खूबसूरत सा नज़म है बच्चों के मुतालिक, खलील जिब्रान का है, फ्रॉम हिज बुक द प्रॉफेट. सो लेट्स लिसन टू इट. Your children are not your children. They are the sons and daughters of life's longing for itself. They come through you, but not from you. And though they are with you, yet they belong not to you. You may give them your love, but not your thoughts. For they have their own thoughts. You may house their bodies but not their souls. For their souls dwell in the house of tomorrow, which you cannot visit, not even in your dreams. You may strive to be like them, but seek not to make them like you, for life goes was not backward, nor tarries with yesterday. इसके बाद एक इम्पोर्टेंट चीज जो है वो ये है कि आप में से जो लोग ये लिंक आपके पास हाइपर लिंक आपके पास काम करेगा, आप में से जो लोग जो है इस बुक को करना चाहते हैं तो आप इस लिंक पे बस सिंपली क्लिक करें तो आपको ये वाली बुक जो है वो नजर आ जाएगी, हाउ चिल्ड्रन लर्न. दिस इज द ग्रीक एजुकेशनिस्ट स्टेला. तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को यहाँ जमा किया हुआ है और इसमें आपके पास अच्छी टेक्निक्स भी हैं. सो यू कैन टेक दिस बुक और इसका आसान तरीका ये है कि जस्ट क्लिक ऑन द लिंक एंड देन यू विल गेट इट. उसके बाद आते हैं देयर आर मोर बुक्स लाइक हाउ चिल्ड्रन लर्न बेस्ट व्हेन यू विल क्लिक ऑन दिस. बाय द वे यू विल नॉट गेट इट, यू नीड टू राइट टू मी टू द ऑर्गेनाइजेशन. इसमें दिस ये जो बुक है ये इसमें काफ़ी डिटेल्ड में है, आप ये देखेंगे तो इसमें बहुत अच्छे अच्छे किताबें लिखी वो आइडियाज लिखी हुई हैं. अगर आप इसको देखेंगे कि मोटिवेट कैसे करते हैं बच्चों को रीडिंग के लिए, मुख्तलिफ सब्जेक्ट वाइज हैं तो और ये रिसर्च बेस्ड है तो ये आपको भी हेल्प करेगा. अगर ये आपको नहीं मिलता है तो राइट बैक टू अस और ऑन इन्फो तो हम आपको ये बुक जो है यहाँ से भेज देंगे. तो आप इसे यूज कीजिए और अच्छे ब्रेंस कैसे बनाते हैं.
So if you want to do something, अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो we are always there to help you out. और दूसरी जो किताब है वो ये है, ये मुख्तलिफ सब्जेक्ट के हवाले से है कि विजिबल लर्निंग एंड द साइंस ऑफ हाउ वी लर्न. ये बुक भी हमारे पास मौजूद है एंड इट्स अगेन अ वंडरफुल बुक एंड वी कैन शेयर इट विद यू. वी हैव नो इशू शेयरिंग विद एनी इंफॉर्मेशन विद एनीबॉडी बिकॉज हम हमारा एक ही मकसद है, वी वॉन्ट पीपल टू लर्न एंड हेल्प चिल्ड्रन लर्न. अब ये देखें कि नॉलेज के लिए ऑब्स्टेकल्स क्या होते हैं और बच्चों के और टीचर्स के रिलेशनशिप कैसे होने चाहिए, इनके मुताबिक बिल्कुल डिटेल में स्ट्रेटजीज और सब कुछ लिखे हुए हैं. तो यू कैन टेक दिस बुक फ्रॉम अस. फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू गेट इट फ्रॉम समवेयर. इफ यू कुडंट देन लेट्स नो, वी विल सेंड यू दिस बुक्स. जस्ट राइट अस एन ईमेल. तो ये आप कर सकते हैं. सो